गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीपी साइंस फ्रॉम सिन एकेडमी मंडलपुर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एयर में चैप्टर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की मेन पॉइंट्स हैं इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन प्रिंसिपल, यू नो प्रिंसिपल। पहला पॉइंट हमारा क्या है? प्रिंसिपल। आप जानते हैं प्रिंसिपल का मीन्स क्या होता है? पी आर आई एन सी पी ए एन, राइट। द ओरिजिनल, फर्स्ट वन डेफिनेशन सुनिए, द ओरिजिनल सम, द ओरिजिनल सम, द मनी बोरोड और इन्वेस्टेड इन टर्म एज अ प्रिंसिपल। इट मीन्स दो तरह से समझ सकते हैं। प्रिंसिपल वो है, कहीं पर भी एक निश्चित अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी वर्क के लिए, वो भी प्रिंसिपल कहलाता है। या फिर सीधे से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी बैंक से जो मनी, इतनी पैसा उधार लेते हैं, जितना अमाउंट लेते हैं, अमाउंट नहीं, जितना मनी हम लेते हैं, अमाउंट पर डाला हो जाएगा, जितना पैसा हम किसी बैंक से लेते हैं स्टार्टिंग में, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल। मान लो जैसे समझ लीजिए, आपके किसी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, बहुत सारी बैंक है, आपने किसी वर्क को करने के लिए मान लिया, आपने उस बैंक से 1000 रुपीज ली, 1000 रुपीज, राइट। तो जो आपने बैंक से पैसा लिया और बैंक ने आपको पैसा दिया, वो क्या कहता है? उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। या फिर वो मनी जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है अपने पास से, उसे आप प्रिंसिपल कहेंगे। ये है प्रिंसिपल, राइट। मैं समझता हूँ इस बात को, समझ गया हूँ प्रिंसिपल को। नेक्स्ट वर्ड मैंने स्टार्टिंग में लिया है कि मानिए हमने बैंक से कितने 1000 रुपए लिए, इसको प्रिंसिपल के रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पर। मेरे को किसी भी सवाल नहीं करना है, बात नहीं, मैंने मान लिया प्रिंसिपल, यहाँ लिया मैंने प्रिंसिपल, माना इसको पहला वर्ड क्लियर किया है, तो इसको प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी मानते हैं। और पी मान लिया हमने कितना लिया है, 1000। मैंने आपको प्रिंसिपल क्लियर किया, डिसबर्स इसको लिख दिया, मान लिया हमने बैंक से 1000 रुपीज लिए हैं, या फिर आपने कहीं 1000 रुपीज अपने पास से इन्वेस्ट किए हैं, वो आपका प्रिंसिपल होगा। सेकंड है पॉइंट इंटरेस्ट। चलिए सेकंड पॉइंट में डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल आपने समझा, और मान लीजिए आपने प्रिंसिपल कितना लिया है, 1000 रुपीज, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट को आई से रिलेट कर सकते हैं, SIC, simple interest to SIC. Interest means the extra money paid for the use of money borrowed is termed as interest. Definition is the extra money paid for the use of money borrowed is termed as interest. It is usually a percentage of the principal. The interest is usually paid yearly, half-yearly or quarterly. इंटरेस्ट का मतलब यह है, जैसे आपने कोई भी मनी किसी को दिया, वो प्रिंसिपल है। अब आप उस पे एक्स्ट्रा मनी कितना लेते हैं पर ईयर, कितना एक्स्ट्रा मनी आप ले रहे हैं, उसे इंटरेस्ट। या फिर कह सकते हैं आपने बैंक से जो मनी निकाला, पैसे निकाला, 1000 रुपये निकाला, 1000 रुपये निकाला, अब आपसे बैंक उस पर कितना एक्स्ट्रा मनी चार्ज करती है ईयरली, सालाना कितना, 1000 से ऊपर जो आपसे बैंक चार्ज करेगी उसे इंटरेस्ट कहेंगे, वो इंटरेस्ट कहलाएगा, राइट। तो एक्स्ट्रा मनी जो द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर द यूज ऑफ मनी बोरोड इज टर्म एज इंटरेस्ट। इट मीन जो आप बैंक के लिए एक्स्ट्रा मनी ईयरली देंगे, जितना आपने पैसा निकाला, मानिए आपको 1000 रुपीज निकाले, अब आप इसके अलावा बैंक को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे ईयरली, तो आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। अब इंटरेस्ट जो है किस तरह से होता है, इंटरेस्ट थ्री कैटेगरी में डिवाइड होता है, तीन तरह का होता है, एक तो ईयरली होता है,
यदि होता है, यदि राइट, एक होता है हाथ दी, एक होता है क्वार्टरली, क्या होता है क्वार्टरली, इसे इसे भी समझिए। यदि का मतलब होता है सालाना, मतलब वन ईयर, एक साल के बाद जो आप प्रिंसिपल स्टूडेंट एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो यदि कहते हैं। हाफली का मतलब आधे साल, हाफ ईयर के लिए चार्ज लेगा बैंक, वो हाफली कहता है। क्वार्टरली का मतलब वन क्वार्टर, इस यदि का मतलब 12 मंथ कह सकते हैं, 12 महीने बाद। हाफली का मतलब 6 मंथ, आपको 6 मंथ। क्वार्टरली का मतलब हो गया आफ्टर 3 मंथ। निश्चित सुन लीजिए, इंटरेस्ट मैंने आपको पहले के इंटरेस्ट किस तरह से आता है, कोई बैंक या फिर कोई आप बीमा कराते हैं, एलआईसी वगैरह बहुत सारी बीमा चल रही है, तो बीमा की जो किस्त हमारी आती है वो किस तरह की होती है, या तो यदि होती है, या आफरली होती है, या फिर क्वार्टरली होती है। यदि का मतलब आफ्टर 12 मंथ, आफरली का मतलब आफ्टर 6 मंथ, क्वार्टरली का मतलब आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने। तो इंटरेस्ट की तीन तरह से आता है। अब इंटरेस्ट आप समझ गए, लेकिन इंटरेस्ट माने कोई भी बैंक कितनी परसेंट लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं इंटरेस्ट आप से लिया जाता है, इसे आईसीआईसीआई बैंक प्रेजेंट करती है इंटरेस्ट। अगर सिंपल है तो यहाँ लिखिए सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मानिए 10% के सिंपल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 10% 10% आपसे लिया जाए, तो आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए। प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप अमाउंट क्या कहना है, तो अमाउंट जो है हमेशा ध्यान रखिए, अमाउंट का मतलब होता है जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो बनेगा अमाउंट, जब आप प्रिंसिपल में क्या करेंगे इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट बनेगा। कैसे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर ये वर्ड है अमाउंट, द सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज द अमाउंट, द सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज द अमाउंट। मैं कह रहा हूं अगेन एंड अगेन कि प्रिंसिपल और अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अगेन इट शुड बी द सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल इज टर्म एज द अमाउंट, इट इज द एक्चुअल पेमेंट वन हैज टू पे द एंड ऑफ द रिटर्निंग ऑफ द मनी बॉरो। इट मींस अगर आप बैंक में, बैंक से आपने कर्ज लिया है और एक साल के लिए लिया है, वन ईयर के लिया है, के लिए लिया है, तो एक साल बाद आप कितना पैसा उसे वापस करेंगे, इट मींस जो लिया है पैसा उसमें आफ्टर वन ईयर 10% होगा, उसको ऐड करेंगे तो अमाउंट क्या रहेगा, इसका फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने टाइम में तो लिए है, टाइम में लिए के लिए 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए, तो आपके लिए क्या क्या प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हाई हो गया और टाइम भी बच गया। अब आप चले जाए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एक फार्मूला होता है ऐसा ही कर दो पी इनटू आर इनटू टी अपॉन एंड है, इस सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, तो ध्यान रखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या आया है, इसमें कितना 1000 इनटू, हां इसमें एक चीज और होती है रेट, रेट भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, रेट कितना है वो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका रेट कंफर्म करना पड़ता है, यही रेट सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है, सिंपल इंटरेस्ट उसको रेट भी क्लियर करना पड़ेगा कि आप कितना पैसा कितनी परसेंटेज के हिसाब से ले रहे हैं, तो इसका रेट से रिप्रेजेंट करेंगे आर के लिए हमारी 10% में आप लेंगे राइट, तो यहां लिखा जाएगा 10 इनटू टाइम वैल्यू के लिए अपॉन, तो सुना मुझे दूसरी तरह से इक्वी 10 10 अपॉन 100 ये हो गया आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, ठीक है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो प्रिंसिपल कितना था 1000 प्लस इंटरेस्ट और तो कितना आएगा 1100 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दोबारा से इसको समझ
से बंधा हुआ है, आपने किसी बैंक से लिया है, सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो 10% पर एनम, 10% पर एनम है। एनम का मतलब होता है ईयरली, सालाना, और टाइम और ये रेट है आपका रेट। इसे कहेंगे रेट, रेट मानिए 10% है, आपने 1000 रुपए निकाले हैं, रेट कितना 10% का है, के लिए पैसा किया गया और 100 हो जाएगा, निकालिए ऐसा ही कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा, प्लस ऐसा ही होगा कितना हो जाएगा 1100, राइट 1100 रुपये हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट लिखा था, उसको इंटरेस्ट लिखा था, सिंपल इंटरेस्ट उसको क्लियर किया था, बाद में इससे रेट भी क्लियर नहीं हो गया ये। अब आपका अमाउंट भी क्लियर हो गया, अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। अब मेन पॉइंट आपका है, फार्मूला भी हो गया, ऐसे इसको भी आगे पर सुनते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मेन पॉइंट आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ पॉइंट, सीआई कहते हैं इसे, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे सीआई भी कहा जाता है, इसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इट मींस इसको समझने के लिए ध्यान दें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, द सिंपल इंटरेस्ट इज really calculated these days, the interest which are charged paid by the banks, post office, insurance company, finance companies, and is not the simple interest, rather it is the compound interest which will be learned in this section. Compound interest, like a simple interest, is the rate paid on the investment, is the difference is the interest previously earned is added to the principal, and that is considered is calculating the future interest. The simple word compound interest is the earning interest on the interest. It means इसको जरा ध्यान से समझे, compound interest का मतलब ये है, compound interest में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट करता है, क्या इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट करता है। इट मींस अब आप इसको समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, लाइक दिस, आपने 1000 रुपीज लिया है, रेट 10% है, टाइमिंग जो है मान लिया जाए आपने 2 ईयर के लिए, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है तो बन जाता है अमाउंट, तो उसके लिए फार्मूला होता है ए इक्वल पी 1 प्लस आर 100 पावर n, एन इज टाइम, तो अमाउंट आपको निकालना है, तो इसे कितना है 1000, 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100 और n की पावर 2 है, तो ये तो ये तरीका है, ठीक है 1000 और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, टाइम में टाइम इट मींस 11 अपॉन 10 की पावर 2, it means 1000 121 upon 100, it means 2020 pencil, so aapka answer kya aayega, 10 1 12
इट मींस आपका अमाउंट आएगा 1212 1210 1200 आएगा राइट। इसको समझिए ना इस तरह से, इट मींस ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। स्टूडेंट जो अमाउंट लिया है ये अमाउंट मैं 1/1 करके फाइंड करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपीज है और रेट आर 10% है और टाइम की जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हो क्या रुपया है। अगर आप सी आई निकालना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, तो अबाउट इंटरेस्ट निकालने के लिए जैसे आपने इंटरेस्ट निकाला इसे कहते हैं ऐसा है P into R into T upon 100। यहां से समझना थोड़ा, तो प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट कितना है 10% है, टाइमिंग अब टाइमिंग जो रहेगा वो टेबल की स्थिति ऊपर लेकर है, मतलब फर्स्ट टाइम टेबल कितना होगा बनिया और टी की बनी होगा देखा जाए हुआ है, तो बनिया का इंटरेस्ट अलग निकालेंगे और सेकंड ईयर का अलग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड होके अगेन अमाउंट बनेगा और वही अमाउंट फिर प्रिंसिपल कहलाएगा। कैसे? अपॉन 100 2000 प्रिंसिपल, इट मींस ₹100। अब यहां अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस ऐसा ही हो जाएगा और ये 1000 है आपका, इसमें आप 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। लेकिन ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए दूसरे साल के लिए बताइए, तो आपने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला है टी वन निकाला हुआ है टैरिफ को, यहाँ पर टी वन है पहले साल के लिए पूरी ईयर है, ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए फिर प्रिंसिपल बन जाएगा और जैसे ही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा तो आप देखिए इसे यहां पर फाइंड कर सकते हैं, तो ये अगेन प्रिंसिपल कहलाएगा और रेट फिर वही 10% रहेगा और टाइम टी टू हो जाएगा बनिया। टू ईयर के लिए था टाइम तो बनिया का पहले निकाल लिया अगेन बनिया कहलाएगा, तो आपका बनिया हो गया फिर से ऐसा ही निकालिए और फिर वो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है राइट। प्रिंसिपल 1100 रेट 10% टाइम बनिया अपॉन 00 पैसे, इट मींस ये आएगा 1110 ये ऐसा है। अब अमाउंट क्या कहलाएगा तो ध्यान से देखिए, अब ऐसे चेंज कर रहा हूं यहां पर देखिए वैल्यू क्या आती है अमाउंट अगेन फिर प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है स्टार्टिंग का 1000 नहीं है, अब आपका प्रिंसिपल ये कह रहा है 11 प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे जो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है ऐड कर देंगे यही अमाउंट आ गया, इट मींस ₹1210। आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला था इनोवेशन पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, उससे से आपने डायरेक्ट निकाला क्या अमाउंट किसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1210 1200 आया था, लेकिन जैसे ही मैंने 1/1 दो साल का निकाला तो मैंने पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया आपको कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है
वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और वही फिर ऐड होने के बाद अमाउंट, लेकिन वही अमाउंट सेकंड ईयर के लिए फिर प्रिंसिपल कहलाता है। तो आप यहां निकाल फर्स्ट ईयर में हमने निकाला तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आया था 100 रुपीस आया, 100 रुपीस को प्रिंसिपल में ऐड किया 1100 रुपीस हो गया। ये 1100 रुपीस का अमाउंट हुआ सेकंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए फिर प्रिंसिपल बन गया। तो आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड रेशियो का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो गया फिर अमाउंट का आया, फिर वही अमाउंट उसी अमाउंट में फिर से आगे नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से 10% का ब्याज देखने गया आपसे। तो फिर से देखिए हमने ऐसा ही दोबारा निकाला तो जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन गया, इसके अकॉर्डिंग नहीं निकला 1100 फिर निकाला 109, फिर ये 110 ऐड हो जाएगा और अमाउंट क्या आया था। अगर नेक्स्ट ईयर में और निकालता है 3 इयर्स दिए होते तो क्या करना होगा, फिर ये अमाउंट जो है थर्ड ईयर के लिए दोबारा से प्रिंसिपल में आता। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे गांव क्षेत्र में एक बैंक चली थी पुराने समय से अभी भी चली आ रही भूमि विकास बैंक, ये भूमि विकास बैंक करती क्या थी, ग्रामीण लोगों को किसान लोगों को लोन देती थी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। रियलिटी में भूमि विकास बैंक नहीं है, भूमि हड़पिंग बैंक है, क्योंकि ये जो आप अमाउंट लेते हैं एवरी ईयर उसका प्रिंसिपल उसमें ऐड होता चला जाता है, न्यू प्रिंसिपल बन जाता है, इससे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है, एक समय ऐसा आता है फिर उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज चैप्टर 9.1 होगा, एक्सरसाइज 9.1 की जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। थैंक यू।